प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों और 35 सिविल अस्पतालों में वेट लीज रिएजेंट मॉडल पर लैब टेस्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी। हब एंड स्पोक मॉडल पर शुरू की गई इस व्यवस्था में बड़े अस्पतालों में सेंट्रल पैथोलॉजी लैब स्थापित कर दूसरे छोटे अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जरूरी जाँच की जाती है। 2 साल पहले शुरू हुई इस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। कई अस्पतालों में जाँच का आंकड़ा ज्यादा है तो कुछ जिलों में बहुत कम है। इन शिकायतों की जांच के लिए NHM की मिशन संचालक प्रियंका दास ने जिलेवार जांच दल बनाकर ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। सिविल अस्पताल जावरा, जिला रतलाम, रतलाम जिला अस्पताल, भिंड जिला अस्पताल, ग्वालियर जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल हजीरा, जिला ग्वालियर, विदिशा जिला अस्पताल, इन अस्पतालों में जाँच के लिए CMHO, जिला अस्पतालों के पैथोलॉजिस्ट, MDI ऑफिसरों को ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। छोटे सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट पैथोलैब के कलेक्शन सेंटर की तरह जांच कराने के लिए सैंपल देकर फ्री टेस्ट कराने की सुविधा 2 साल पहले शुरू की गई थी। इसी व्यवस्था में सैंपल देने के 6 से 12 घंटे में सैंपल की जांच कर मोबाइल पर SMS के जरिए रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 324 अस्पतालों में हब सेंटर के तौर पर लैब तैयार की गई थी। इन हब सेंटर से 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पोक के तौर पर सैंपल कलेक्शन सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है। 34 प्रकार की जांचें लैब में होगी और 11 टाइप के कार्ड टेस्ट अस्पताल में तुरंत के रैपिड किट के जरिए किए जा रहे हैं।